हेलो दोस्तों, देखो फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि रीड मोड क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, कैसे इसको शुरू करते हैं और कैसे इससे बाहर निकलते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज ओपन है और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट लिया हुआ है। ये डॉक्यूमेंट करीब 7-8 पेज का है, ठीक है। तो अब अगर हमें इसके लिए रीड मोड ओपन करना है तो हमको जाना होगा व्यू में। ये देखिए ऊपर के रिबन में यहाँ पर ये व्यू का ऑप्शन है, हेल्प के जस्ट बगल में, ठीक है। व्यू में एकदम स्टार्टिंग में आपको दिखेगा रीड मोड, लेफ्ट हैंड साइड में ये देखिए एकदम स्टार्टिंग में रीड मोड दिखेगा। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे रीड मोड देखिए ऑन हो जाएगा। अब आप इस डॉक्यूमेंट को बड़े आराम से रीड कर सकते हैं। ये राइट हैंड साइड में एरो दिख रही है, इस पर क्लिक करते जाइए और डॉक्यूमेंट आपका आगे बढ़ता जाएगा। अब अगर प्रॉब्लम कभी कभी आती है कि भैया मतलब ओपन तो कर लिया रीड मोड, अब वापस कैसे जाएं, तो वापस जाने के दो तरीके हैं। पहले जनरल तरीका देखते हैं, उसके बाद शॉर्टकट समझेंगे। तो जनरल तरीका क्या है, ये देखिए व्यू का ऑप्शन आपको ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा व्यू, इस पर क्लिक कर दीजिए और एडिट डॉक्यूमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये डॉक्यूमेंट आपका वापस वहीं पे पहुंच जाएगा जहां से हमने रीड मोड ऑन किया था, ठीक है। लेकिन इतने लंबे चौड़े प्रोसेस की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल स्केप बटन प्रेस करना है। ESC लेफ्ट हैंड साइड में एकदम ऊपर दिया होता है आपके कीबोर्ड में, ठीक है। स्केप बटन को आप जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आप वापस से वहीं एडिट मोड पे पहुंच गए, ठीक है। तो सिंपल बस रीड मोड ऑन करिए, स्केप बटन प्रेस करिए या व्यू बटन पे जाइए, एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए और आप जो है वापस से एडिट मोड में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं रीड मोड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में।